नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पे किसी को भी वाईफाई यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक और चीज़। जब भी आपका यहाँ पे कोई भी है वाईफाई ब्लॉक कब करता है, वाईफाई ब्लॉक करने का आपका एक ही रीज़न रहता है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहला एक ही रीज़न रहता है, आपने किसी को पासवर्ड दिया था आपके किसी दोस्त को, और उसने वो पासवर्ड है वो पूरे वायरल कर रखा है। अब उन्होंने पासवर्ड वायरल कर रखा है तो कोई भी चलते फिरते यहाँ पे आपका वाईफाई यूज़ कर रहा है, जो आपको दिक्कत प्रॉब्लम दे रहा है। तब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है आसान, कि उनको आप भाई ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करने के बाद में क्या हो सकता है, उनका इंटरनेट बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हम सीख लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, टीपी लिंक का टेथर नाम का एक एप्लीकेशन आता है, ये डाउनलोड कर लेना। ये केवल स्पेशली टीपी लिंक राउटर वाला है, जो है उन्हीं के लिए काम करने वाला, दूसरों के लिए काम नहीं करेगा। अब दोस्तों, सीधी सी बात ये है कि अगर आप बाई चांस उनको ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, या फिर मैं आपको सबसे बड़ा सॉल्यूशन बताऊं और अच्छा सॉल्यूशन बताऊं, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपका कोई दूसरा रीज़न हो तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, परंतु तो मेरा तो सबसे आसान तरीका यही है कि अपना खुद का पासवर्ड ही चेंज कर डालो। किसी को ब्लॉक करने की क्या जरूरत, खुद का पासवर्ड चेंज कर दो, किसी को ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं। या फिर आप ये कर सकते हैं, उनकी इंटरनेट की स्पीड घटा सकते हैं। जो भी अननोन है वो आपके इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं, उनकी स्पीड को है ना आप 10 KBPS ले जाइए, मतलब इतनी घटा दीजिए उनका व्हाट्सएप भी ना चले, इतनी स्पीड उनकी कम कर दीजिए, 10 KBPS तक ले जा सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में यहाँ पे सीधा सा आपको मांगेगा आपको टीपी लिंक की आईडी, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो क्रिएट कीजिए। उसके बाद में आपको राउटर बताएगा, राउटर के ऊपर क्लिक करना है, राउटर पर लॉग इन कर देना है। अगर आपका यहाँ पर राउटर पर लॉग इन के लिए पासवर्ड पूछता है तो आपको एडमिन एडमिन डाल देना है, जो कि ऑफिशियली रहता है। अगर आपने चेंज किया तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम देखें तो स्टेटस में इंटरनेट कनेक्टेड बता रहा है, ये रहा आपका राउटर और ये रहे आपके क्लाइंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके वाईफाई का नाम है और आपका पासवर्ड भी यहाँ पे आ चुका है। अब आप अपने क्लाइंट्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। क्लाइंट्स मतलब आपके जो कनेक्टेड हैं राउटर से, जितने भी डिवाइस है वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों, आप सब देख सकते हैं मेरा एक तो डिवाइस है, ये है रेडमी नॉट 4, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। एक है दूसरा अननोन, फिर है रियलमी X1 मैक्स, पोको X2, और एक मेरा आर्चर सीरीज का AX सीरीज का है, यहाँ पे वाईफाई 6 का राउटर कनेक्टेड, वो भी इसी के अंतर्गत कनेक्टेड है। तो जो अननोन था वो मेरा ये वीवो वाला मोबाइल था, जो कि मैंने यहाँ पे वीवो नाम चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको क्लिक करना है, अपने वाईफाई को ओपन करना है। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे हम YouTube वगैरह कुछ भी ओपन करते हैं तो हमारा इंटरनेट चल रहा है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर पे चले जाते हैं, आपको बता देता हूँ इंटरनेट है वो क्लियरली चल रहा है। आप जैसे देख सकते हैं हमने कोई भी ओपन की चीज़, इंटरनेट है वो क्लियरली चल रहा है बिना किसी दिक्कत के। अगर हम कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हम डाउनलोड पर लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस मोबाइल को मैं ब्लॉक करने वाला हूँ। तो ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले हमें वीवो को ओपन करना है, जो भी मोबाइल हो जो भी डिवाइस हो उसको ओपन करना है और वेट करना है। जैसे हम वेट करेंगे हमारे सामने आएगा आपका सारा नाम वगैरह, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। आपको दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लॉक का, हमें ब्लॉक के ऊपर क्लिक करना है और वेट करना है कुछ सेकंड्स तक। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ब्लॉक क्लाइंट्स नाम का एक ऑप्शन आ चुका है, इसको हम क्लिक करें तो हमारा जो वीवो का डिवाइस है वो यहाँ पे आ चुका है और हमारा डिवाइस कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं, दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये डिवाइस है इस पे इंटरनेट ब्लॉक हुआ है या फिर नहीं। हम बैक कर लेते हैं, कोई भी चीज हम वापस डाउनलोड करेंगे, मान लीजिए इसी को हम डाउनलोड पे लगा देते हैं, क्या ये इंस्टॉल हो रहा है। अगर इंस्टॉल हो रहा है इसका मतलब आपका इंटरनेट चल रहा है, अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा। आप देख सकते हैं इंटरनेट चलना बंद हो चुका है क्योंकि हमने इसको ब्लॉक कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको अनब्लॉक करेंगे वापस और मैं आपको दिखा देता हूं अनब्लॉक कैसे करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक क्लाइंट लगाकर आपको लिखाएगा, इसको हम शो के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपका आ गया मैक एड्रेस और वीवो का डिवाइस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनब्लॉक का ऑप्शन आएगा, अनब्लॉक के ऊपर हम क्लिक करेंगे और वेट करेंगे कुछ सेकंड्स का। अब दोस्तों हम देख सकते हैं हमारा इंटरनेट चलने लगा है, हमारी डाउनलोडिंग वो स्टार्ट हो चुकी है बिना किसी दिक्कत के। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आपका खुद का पासवर्ड ही आप चेंज कर ले, तो फिर ब्लॉक करने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, किस किस को हम ब्लॉक करेंगे। इससे अच्छा यही है कि अपना खुद का पासवर्ड हम चेंज कर लेते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे हमारा पासवर्ड का सेक्शन देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.4 GHz का मेरा इस राउटर है और इसे यहाँ पे रियल एजुकेशन नाम लिखा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और वेट करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो सिक्योरिटी पे हमने पासवर्ड लगा रखा है, आप इस पासवर्ड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं और सेव कर देंगे। जब भी आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पासवर्ड चेंज करने के बाद में फायदा यही है कि आप अपना जो भी डिवाइस है उसी को कनेक्ट कर सकते हैं, बाहर के किसी को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये फायदा है। नंबर टू, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, अगर आप किसी की बैंडविड्थ कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, आप किसी को केवल 10 KBPS की देना चाहते हैं या 100 KBPS की या फिर 1 MBPS की, आपकी जो भी स्पीड देने की इच्छा हो अगर आप वो देना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेट पे आईपी लॉगिन करना है और आईपी लॉगिन में आप बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु बैंडविड्थ कंट्रोल करने से पहले आपको आईपी ये वो रिजर्व करनी होगी, आईपी रिजर्व और रजिस्टर करने के बाद में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे टूल्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, वायरलेस इंटरनेट लगाकर, पेरेंट कंट्रोल से लगाकर, नेटवर्क डायग्नोस से लगाकर, यहाँ पे आपको गेस्ट नेटवर्क, शेयर वाईफाई से लगाकर सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये दोस्तों दिक्कत ये है कि इस एप्लीकेशन में आप केवल बैंडविड्थ कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट 70 से 80% सारे काम इस एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं, फिर भी कुछ काम बाकी रह जाते हैं, उसके लिए हमें इंटरनेट पर लॉग इन करना ही होगा।
आशा करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज अब तक पहुंची आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।